और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं, आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारु सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठकर के बैठने काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आपने सुना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने संबोधन में महत्वपूर्ण बात कही, और देखिए जिस बात की उम्मीद भी की जा रही थी कि वो कहेंगे, विपक्षी दलों से वो अपील करेंगे कि सदन को सुचारू रूप से चलने में वो मदद करें, उसे चलाने में, और वही उन्होंने कहा कि आप
सवाल पूछे, विपक्ष सवाल पूछे, लेकिन जवाब भी दिया जाना जरूरी है और इसीलिए सरकार को जवाब भी देने दे विपक्ष। ये महत्वपूर्ण बात जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सवाल पूछे लेकिन शांति सदन में बनी रहे ताकि उसका जवाब लोगों तक पहुंच सके। सरकार को ये मौका दिया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही एक और जरूरी बात, कल शाम संसद में कोरोना पर चर्चा को सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी पर एक सार्थक चर्चा होना बेहद जरूरी है और इसके लिए विपक्षी दलों के साथ एक चर्चा होगी। कल शाम सरकार तैयार है, अगर सदन में चर्चा होती है तो कल शाम सरकार इस पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नीरज पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से कहा कि आप सवाल जरूर पूछें लेकिन सरकार का जवाब क्या है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सुना जाए, ये जरूरी है। जी बिल्कुल सुनील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार नहीं, इससे पहले जब सर्वदलीय बैठक थी तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि आप अपनी मांग रखिए, आप अपनी बातें उठाइए, सदन में उस पर चर्चा कीजिए, भागिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, बल्कि उस पर एक सकारात्मक चर्चा कीजिए। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप उस पर चर्चा कीजिए, सरकार का पक्ष हम रखेंगे, हमारा क्या पक्ष है वो भी सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार नहीं, लगातार वो ये बात करते रहे और इससे पहले भी जो सदन और सत्र चलते रहे उनमें भी प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, आप चर्चा करिए, हम चर्चा से पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आज टीएमसी ने पेट्रोल डीजल का मामला उठाया, उन्होंने साइकिल मार्च की, लेकिन इससे पहले भी ये चीज़ें चर्चा हो सकती संसद में और संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री भी इस बात के लिए कह चुके। और यही नहीं, पार्टी के तमाम लीडर्स ये बात कहते हैं कि हम फ्लोर पर चर्चा के लिए तैयार हैं और सही बात तो ये है कि सही जगह फ्लोर ही है, जो संसद का पटल है उस पटल पे अगर आप बात रखते हैं और बात रख के उस पर चर्चा करते हैं तो उसका कुछ निष्कर्ष भी निकलने की उम्मीद है। तो चाहे वो किसान का इशू हो, चाहे पेट्रोल डीजल का इशू हो, महंगाई का इशू हो, जो और अन्य इशू है, देश को जवाब देना चाहती है सरकार लेकिन जब विपक्ष सुनेगी तभी मुमकिन होगा कि देश को जवाब दिया जा सकेगा। एक बार फिर से हम सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अहम कहा है। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं, आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में
सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिल करके उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके बैठने काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ABP News आपको रखे आगे।